चटनी तो बहुत खाई होगी आपने, पर हमारे यूपी स्टाइल अगर आप ये चटनी एक बार खाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप सब्जी और दूसरी चटनियाँ खाना भूल जाएंगे और हमेशा यही वाली चटनी बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने 4 पके हुए टमाटर ले लिए हैं। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर मैंने टमाटर पर तेल लगा दिया है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप इसका छिलका निकालते हैं तो आसानी से निकल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पके हुए टमाटर लिए, आप चाहे तो अधकच्चे वाले टमाटर भी ले सकते हैं। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑन करके इस तरीके का स्टैंड रख लेंगे। उस पर हम टमाटर को रखकर अच्छे से उलटते पलटते हुए हम इन्हें चारों तरफ से भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं हाथ से ही पलट रही हूँ, पर आप हाथ से मत पलटिएगा क्योंकि मेरी आदत है, आप जल सकते हैं, तो आप किसी चीज़ से इसे पलटिएगा। और ये देखिए, चारों तरफ से पलटते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और देख सकते हैं आप कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से पक चुके हैं। तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपनी दूसरी तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ी सी हरी धनिया ले ली है, 4 से 5 हरी मिर्ची ली है और 8 कलियां मैंने लहसुन की ली है। और अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची थोड़ा सा कम डालें। और उसके बाद हम धनिया को रफली चॉप कर लेंगे, हरी मिर्ची भी ऐसे बीच से ही काट लेंगे। और यहाँ पर ये फ्रेंड्स, मैं धनिया वाला नमक भी बना रही हूँ, मैंने पहले इसकी रेसिपी शेयर की है। तो इस तरीके से आप ये धनिया वाला नमक बनाकर रख सकते हैं और किसी भी चीज़ में, मूंगफली में, सिंघाड़े के साथ, या फिर चटनी में, या फिर लाई बनाते समय जो भेलपूरी बनती है तो उसमें आप इस नमक को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मिर्ची, धनिया और लहसुन और नमक डालकर हम इसे पीस लेंगे और आपका धनिया वाला नमक बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसकी रेसिपी अपने शॉर्ट वीडियो में एक शेयर की थी। और फ्रेंड्स, इस नमक को आप रख सकते हैं स्टोर करके 20 से 25 दिन तक। और देखिए, अब हम इसे साइड में रख देंगे। और इधर देखिए, हमारे टमाटर भी तब तक ठंडे हो चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, इसका छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी थोड़े थोड़े गर्म है, ये देखिए इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे। और टमाटर को आपको पानी में नहीं धुलना है, जो हल्का फुल्का सा इसमें इसके छिलके रह जाएंगे तो उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पानी में इसे धुलकर इसके छिलके मत उतारिएगा। और फिर एक फोर्क की हेल्प से ये देखिए इस तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे, ये देखिए। और फ्रेंड्स, बस इसे आपको मैश करना है, इसे आपको मिक्सर में नहीं पीसना, नहीं तो इसका स्वाद जो है वो बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर मुझे थोड़े से बड़े बड़े से इसके चंक्स लग रहे थे तो मैंने हाथों से मैश कर दिया। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, टमाटर सारे अच्छे से मैश हो गए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने धनिया वाली चटनी पीस के रखी है, हमारे यहाँ जो इसको धनिया वाला नमक बोलते हैं, इसे ऐड कर देंगे। और अगर आपने इसमें नमक कम डाला है तो आप इस धनिया वाली चटनी को थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे फिर हम मिक्स कर लेंगे और आपकी बिल्कुल टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।